बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं वियर्ड फूड चैलेंज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट चैलेंज, तो आइए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो दोस्तों ये है मेरा पहला चैलेंज मैगी और चाय का। ओ भाई साहब कितना बेकार लग रहा है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैगी और चाय का जो मिक्सर, उसके बाद जो मिक्स करने के बाद खाने के बाद जो टेस्ट, वियर्ड फूड नंबर वन वियर्ड फूड उसे देना ही चाहिए, बिकॉज खाने में भी उतना बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा। मीठा और नमकीन जैसा स्वाद था, तो आप बिल्कुल ट्राई ना करें। बट अगर आप वियर्ड फूड चैलेंज करना चाहते हैं तो इससे बड़ा वियर्ड फूड नहीं हो सकता है। तो चलिए हम दूसरा वियर्ड फूड चैलेंज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगला चैलेंज है हमारा कपकेक और सॉस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को रिएक्शन। ये मैंने कपकेक पे लगा दिया है सॉस, और चलिए फिर टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं कि कैसा टेस्ट है कपकेक और सॉस। डर भी लग रहा है यार। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। बहुत ही बेकार था यार, बहुत ही एकदम बिना स्वाद का, कोई टेस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। ये तो मैगी और चाय से भी ज़्यादा वियर्ड था। वॉमिटिंग हो जाएगी जो लोग नहीं खाते होंगे। भाई साहब बहुत बेकार ये चैलेंज था, बहुत। भविष्य में, फ्यूचर में आप लोग ये मत चैलेंज कीजिएगा, मैगी और चाय का चैलेंज कीजिए, बट कपकेक और सॉस का तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नो। तो अगला चैलेंज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगले चैलेंज में हमारे क्या है। स्टार्ट। तो दोस्तों अगला चैलेंज है हमारा मिठाई, और मिठाई के साथ हम खाएंगे सॉस और आपको दिखाएंगे रिएक्शन। गाइस आज मैं, देखिए आप चैलेंज करेंगे मिठाई और सॉस का, बहुत ही मेहनत से मांग कर लाई हूँ यार। प्लीज तो चैनल को मेरी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठोक दो एकदम। तो चलिए फिर, वैसे भी मैंने अपने पॉकेट मनी से ये मिठाई खरीद के लाई हूँ, तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बार बार ये मत करना यार, ये बार बार क्यों कहती रहती है, क्योंकि आप लोग करते नहीं हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं और रिएक्शन देते हैं, और आप लोग भी ये टेस्ट कीजिएगा, वैसे रिएक्शन के बाद मैं बताऊँगी। ओके चलिए। ये है मिठाई और मिठाई पे लगा सॉस, तो आइए। वॉट इज दिस, बट ठीक है, मतलब 50% मिठाई है, 50% सॉस है, बट ठीक है, उतना भी वियर्ड नहीं है जितना कपकेक और सॉस लगा। ठीक है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आप यूज कर सकते हैं, मतलब यूज क्या, मतलब आप लोग भी खा सकते हैं सॉस के साथ मिठाई, बट एमरजेंसी में, नॉट रेयर, बिकॉज उतना भी। दोस्तों अगला चैलेंज हमारा मैगी प्लस जलेबी बाई। तो चलिए खाकर देखते हैं और इसका रिएक्शन। दोस्तों अगले चैलेंज हमारा जलेबी, और जलेबी के साथ मस्त मौला मैगी, जो कि मैंने मात्र 1 मिनट में पकाया हुआ है। लोग 2 मिनट में पकाते हैं, बट मैंने 1 मिनट में पकाया, तो टेस्ट जानते हैं। बट मुझे तो डर लग रहा है, बिकॉज इतना वियर्ड फूड खा लिया है कि अगले बार सोच रहे हो गए पार्ट टू भी आप लोग कहेंगे लाने के लिए, तो डर लग रहा है भाई साहब। तो चलिए वैसे चैलेंज करते हैं, बिकॉज प्लीज लेकिन लाइक सॉरी। चलिए, अरे उठ जा सांप मेरे।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यार अब बहुत मूड खराब हो गया, इतनी वियर्ड फूड इतनी, अब तो डर लग रहा है यार। मैं तो सोच रही हूँ कहाँ से मैंने अपने दिमाग में वियर्ड फूड का चैलेंज लाई कि वियर्ड फूड चैलेंज मुझे करना है। प्लीज़ अगर आप लोग सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेहुदा हो गया। बट हाँ, दूसरा फूड चैलेंज आप लोग कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। बट तो कोई नहीं, मेरा पैसा तो लग रहा है वेस्ट ही हो गया। बट प्लीज़ यार वायरल कर देना, प्लीज़ वायरल कर देना दोस्तों, क्योंकि कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़े हैं भाई साहब। चलो फिर कोई नहीं, अगला भी कुछ फूड और चैलेंज है, अब करते हैं अगला फूड चैलेंज। सोचिए आप लोग क्या होगा, सोचिए, और हो सकते आप भी फूड चैलेंज कीजिए और ढेर सारा कमेंट भर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो गाइस, अभी गई थी दुकान पे, दौड़ के गई हूँ कुरकुरे लेने, और कुरकुरे लेके आई हूँ बट कुरकुरे नहीं मिला। मिला है मुझे टका टका, आप सोच रहे ये फटा हुआ है कैसे, क्योंकि रास्ते में खाते हुए आई हूँ, बिकॉज थोड़ा ही तो आपको दिखाना है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बट यार मम नो, आप सोच रहे होंगे कि इसको खाने से क्या है, ये तो बिल्कुल ही अच्छा लगता है। बट आप ये मत सोचिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, इसके साथ हम सॉस सॉस SOS सही मीनिंग, कोई बात नहीं अगर गलत होगा तो। आप पहले टका टक को थोड़ा सा इनका भी TRP बढ़ा दीजिए, टका टक का। तो कमेंट में मेरे लिख दीजिए टका टक ओ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं टका टक के साथ सॉस को खाना। वैसे हम जानते हैं सॉस की मीनिंग मेरी गलत है, तो आप सॉस के मीनिंग भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं आता। ओके तो आइए सॉस को लाते हैं। 1 मिनट सॉस ये है, और ये है टकाटक, तो देखते हैं कैसा लगता है। जूट का ही बर्तन लगाएंगे, तो इसी पे सॉस लगाते हैं हम। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, ये है सॉस और वो है टकाटक। मुझे तो जहाँ तक लगता है यार ठीक है, चलो जो भी लगेगा सही है। बट हाँ इसका मैं रिएक्शन जितना भी दूंगी ना, आप लोग मत वो करना कि आप लोग भी फूड चैलेंज करें, चैलेंज जरूर कीजिए, बट ये मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे मैं थक गई हूँ इतना वियर्ड था, पर क्या करूँ इतना लेके आई हूँ, मम्मी झूठ का ही मानने लगेंगी भाई साहब कि इतना पैसा खर्चा कर दिया, कितना पैसा, जबकि पता है आप लोग कितना। छोड़िए हटाइए, ये मेरा प्राइवेसी है। चलिए बहुत अच्छा, खाइए आप भी खा सकते हैं, खाइए। सॉरी गलती हो गया मुझसे, मैंने आप लोगों को बोला मत खाइए, मतलब खाइए बिल्कुल शौक से खाइए। सबसे बेस्ट वियर्ड फूड चैलेंज में मुझे यही लगा, इसको वियर्ड तो नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल वियर्ड नहीं है, क्योंकि सॉस के साथ कुरकुरे बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप खा सकते हैं। बट ठीक है यार, मस्त खाइए। सॉस के साथ कुरकुरी बहुत ही अच्छा लगा, वियर्ड फूड चैलेंज नो, बट बहुत टेस्टी। लेकिन हाँ, आप लोग को कौन सा वीडियो चैलेंज देखना चाहते हैं, या फिर अगली कौन सी वीडियो देखनी चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आने वाला है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, तो कौन सी फेस्टिवल है, वैसे इस फेस्टिवल ये जो था कुरकुरे और सॉस का जो कनेक्शन था वो ठीक था, बहुत तो अच्छा था, बेकार बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉट वियर्ड फूड, मुझे तो पसंद आया भाई। मैं तो कुरकुरे लेने गई थी, बट दुकान वाले अंकल बोले कि नहीं कुरकुरे नहीं है, आप सॉस ले सकते हैं। वैसे बैकग्राउंड में देखिए आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को इग्नोर नहीं कर सकती, आप मुझे इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अगला चैलेंज। यार इतना वियर्ड फूड हो गया, तो अभी एक अच्छा सा जो कि मेरा फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट होगा, उसको खाते हैं और फिर अपने अपने घर जाते हैं, और आप लोग भी मोबाइल को फिर रख दीजिएगा। तो ये समोसे जस्ट माय फेवरेट, बहुत टेस्टी है। अब मैं बाद में खाऊंगी, अब नहीं खाऊंगी। तो हम दोस्तों
ये मेरी चैलेंजिंग वीडियो समाप्त हुई। और आपको वीडियो कैसी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ गलत और किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आने वाले हैं हमारे बहुत बड़ा फेस्टिवल दिवाली, बट दिवाली बीत जाने के बाद मेरी ये वीडियो जाएगी, फिर भी सॉरी, बट हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को और आपके परिवार को भी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो फिर चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर एंड लेट्स अगेन हैप्पी दिवाली।